28 नवंबर बैच एशिया टेलीकॉम जो मध्य प्रदेश में, वहाँ से ट्रेनिंग करके आया। मैं हार्डवेयर का ऑलमोस्ट सारा काम कर रहा हूँ, EMMC IC का काम कर रहा हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, डुअल डेकर का काम कर रहा हूँ, तो इस टाइप का सारा काम कर रहा हूँ। और आई सेटअप दिखाते हैं सामने का। ये जो है ये मेरा लैब है, और जितना भी चूल से ये सब ZS मलिक सर से खरीदाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी बोर्ड्स भी है, तो स्क्रैप बोर्ड्स से मैंने ये फुरकान भाई से खरीदा था दिल्ली से। मैं नोट 6 प्रो का EMMC IC का प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रीडिंग क्या है। तो दिखा देते हैं आपको, ये है EMMC IC जो सैंडिस्क का लगा हुआ है। सैंडिस्क इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। हम देख सकते हैं कोई भी EFI बॉक्स में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हमारा EMMC IC नया EMMC IC अभी फिलहाल लग गया है, इसको हम सॉफ्टवेयर मार के दिखाएंगे। तो सिंपली यहाँ से रिमोट मेंटेनेंस को ये करके अनटिक करके प्लास करता हूँ। ये ऑटो पोर्ट डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये ब्लैंक डिस्प्ले है, अभी ब्लैंक EMMC IC है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरा शॉप जो है वो भुवनेश्वर में बापू जी नगर माँ अम्बिका में है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज अली। आज मैं नोट 6 प्रो का EMMC IC का प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम आपको रीडिंग दिखा देते हैं इसका। ऑन ऑफ प्रेस करने के बाद इसका 11 में स्टक हो जा रहा है, ये सेट डेड है। तो सेट डेड है इसका मतलब ये सेट में EMMC IC का प्रॉब्लम है। दिखा देते हैं आपको, ये है EMMC IC जो सैंडिस्क का लगा हुआ है। सैंडिस्क इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी पतरा उतरा नहीं उठा हुआ है, पूरा फ्रेश बोर्ड है। इसका हम लोग EMMC IC निकाल के नया EMMC IC लगाएंगे, और मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। इसको रिवोल्व करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम करके लगाएंगे। आप मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। हम लोग EMMC IC को अभी निकालते हैं, और इसका हीट वीट जो है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन सब कुछ लिखा हुआ है। इस हिसाब से हम लोग इसका EMMC IC को भी निकालेंगे। आप भी वीडियो में बने रहें। हम देख सकते हैं कोई भी ट्रैक वैक नहीं गया है। तो हमारे पास ये सैंडिस्क का IC लगा हुआ था, इसको हम लोग अभी रिप्लेस करेंगे सैमसंग का EMMC IC के साथ। ये IC लगा हुआ था, इसको हटा देते हैं, ये IC में भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक भी बोल नहीं छोटा है, नहीं बैठा है।
ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो रिबॉल कंप्लीट हो गया है, इसको अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। आइए, ये फाइव बॉक्स में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसका RPM भी क्लीन कर दिया है नया MMC IC का। अब उसको बस थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करके फिर हम आपको बोर्ड में लगा के दिखाते हैं सॉफ्टवेयर मार्केट। तो यहाँ पे बस हम लोग EXT CXT जो है उसको राइट कर देंगे। हमारा MMC IC नया MMC IC अभी फ़िलहाल लग गया है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर मार के दिखाएंगे। और उससे पहले कुछ चीज़ बताना हूँ कि ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, मैं 28 नवंबर बैच एशिया टेलीकॉम जो मध्य प्रदेश में वहाँ से ट्रेनिंग करके आया हूँ। 28 नवंबर की बैच था मेरा, जो दिसंबर के दिसंबर लास्ट में ख़त्म हुआ, उसके बाद से मैं काम कर रहा हूँ। और ये MMC IC बहुत सारा मैंने लगाया है, ये पहला नहीं है। और EMC के अलावा मैं हार्डवेयर का काम सारा कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, डुअल डेकर का काम कर रहा हूँ, और ये सब कुछ मैं एशिया टेलीकॉम से सीख करके आया हूँ। तो चलिए सॉफ्टवेयर मारते हैं, उसके बाद फिर और बात करते हैं। सॉफ्टवेयर मारने के लिए मैं सबसे पहले EMP से क्रूसीफायर खोलते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक IC जो है ये हम लगाए हैं, और ये हमारा UMT का टूल खुल गया है। अब इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर मारेंगे, और ये एकदम ब्लैंक IC है, तो हम लोगों को पोर्ट बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटो पोर्ट लेगा। देखा डाटा के भी लगा लेते हैं, देखा देखा। और हम लोग इसको सिंपली यहाँ से रिबूट वेंटिलेशन को ये करके अनटिक करके फ्लैश करते हैं। ये ऑटो पोर्ट डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये ब्लैंक डिस्प्ले है, ब्लैंक MMC IC है। तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है, यहाँ देखा। और जब तक ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तब तक हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एशिया टेलीकॉम से पढ़ के आया हूँ, 28 नवंबर का बैच था मेरा, और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिव है। वहाँ पे तो हम लोग को जितना दिन पढ़ाई हुआ उतना दिन तो बहुत सपोर्ट करते ही थे। वहाँ से आने के बाद भी सर लोग कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करने से तुरंत रिप्लाई आता है सर लोगों का, तुरंत सोल्यूशन बताते हैं, और उससे सोल्यूशन भी बहुत होता है, मिलता है। और हम लोग का हर चीज़ में एशिया टेलीकॉम जो है बहुत अच्छा है। अभी मैं MMC IC काम कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट डुअल डेकर का भी आपको वीडियो बना के दूँगा, पोस्ट करूँगा। और साथ में मैं हार्डवेयर का ऑलमोस्ट सारा काम कर रहा हूँ, MMC IC का काम कर रहा हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूँ, डुअल डेकर का काम कर रहा हूँ। तो इस टाइप का
सारा काम कर रहा हूँ। और आइए मेरा सेटअप दिखाते हैं सामने का भी। ये जो है ये मेरा लैब है, यहाँ पे OCA का काम भी होता है, ग्लास चेंज करना, OCA चेंज करना। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ये कस्टमर रिसीविंग पॉइंट है, यहाँ पे कस्टमर रिसीव किया जाता है। और ये मेरा पर्सनल सेटअप है, देख सकते हैं जितना भी माइक्रोस्कोप हो गया। ये एशिया टेलीकॉम का सर्टिफिकेट जो मेरा फेवरेट है, तो आई लव दिस। और जितना भी टूल से ये सब ZS मलिक सर से खरीदाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी बोर्ड्स भी है जो स्क्रैप बोर्ड्स है, मैंने ये फुरकान भाई से खरीदा था दिल्ली से। और ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड एशिया टेलीकॉम से ही हो जाएगा। और EMMC IC चेंज करने के लिए होता क्या है कि हम लोग को फाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और सारा फाइल्स आपको एशिया टेलीकॉम प्रोवाइड करता है। और जो भी जहाँ पे भी बच्चे फंसते हैं या जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन टीचर्स बाद में कर देते हैं। और क्या ही बताऊँ, बहुत तारीफ है करने के लिए एशिया टेलीकॉम का। देव सर बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उनका जैसा नॉलेज शायद ही इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर के पास होगा मोबाइल लाइन के। और ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं। ये EMMC IC चेंज आपको एक बार दिखा देते हैं, पहले आप देख लीजिए। EMMC IC चेंज है, सैमसंग का EMMC IC मैंने लगाया है। अभी आपके सामने मैं इसे लाइव ऑन करके देखूंगा ये ऑन हुआ है या नहीं। तो ये पूरा जो है EMMC IC चेंज प्रोसेस है, मतलब EMMC IC एक लगा हुआ था उसको मैंने निकाला है, सैंडिस्क का जो ख़राब था EMMC IC लगाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेट पूरा ऑन हो गया है। इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन फोन जो है फोन हो गया, 11 में ऑन हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और मेरा शॉप जो है वो भुवनेश्वर में बापूजी नगर मामलिका में है। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।